हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फुल एडर के बारे में देखेंगे। फुल एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो दो इनपुट ए बी और कैरी इन को लेके उसका सम और कैरी आउट जनरेट करता है। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं हम लोग। अपना पहला इनपुट ए हो जाएगा, दूसरा इनपुट बी हो जाएगा और कैरी इन और सम जीरो, जीरो आउट, जीरो वन वन, जीरो आउट, वन जीरो आउट, वन वन जीरो, वन कैरी, वन जीरो कैरी, वन वन जीरो, वन कैरी, वन वन जीरो, वन कैरी, वन 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 वन, वन कैरी। अब सर्किट डायग्राम के लिए हम लोग इसमें के मैप की मदद से इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले एस के लिए आप हम लोग देखते हैं सम कहाँ कहाँ पर है। वन और टू पे है तो वन, वन अदर फोर पर वन, सेवन पे वन, और आउट सी आउट पे है सबसे पहले थ्री पे, फाइव, इसमें तो सारे सिंगलेट बनेंगे। इसमें हम लोग के तीन पेयर बन जाएंगे। तो हम लोग इन इक्वेशंस की मदद से अपना सर्किट डायग्राम बना लेते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस सर्किट को अपने ब्रेडबोर्ड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये पूरा सर्किट बना लिया है। ये अपनी यहाँ पे 7486 आईसी लगी है, जो कि अपनी एग्जॉर गेट की आईसी होती है, और ये नैंड गेट की आईसी लगी 7408, और ये 7432 आईसी लगी और गेट की। और यहाँ पे दोनों आउटपुट मैंने ले रखे हैं। पहला आउटपुट यहाँ से लिया है, जो कि अगर सर्किट डायग्राम देखे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दो ए बी इनपुट है, जो कि मैंने इनवायर पे निकाल लिया है, और एक ये सी इनपुट है, जो कि दोनों एग्जॉर गेट पे लगे हैं, जिससे कि आउटपुट एस आ रहा है, जो कि ग्रीन कलर के वायर से मैंने पहली एलईडी पे जोड़ दिया है, और उसके बाद दूसरा एलईडी जो है वो मैंने और गेट से जोड़ा है, जो कि ये वाला गेट है। ये दोनों दोनों इनपुट आके इसमें इन दोनों के एंड गेट से दोनों इनपुट और गेट पे जा रहे हैं। चलिए अब इसको हम लोग एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं अपने तीनों तीनों में 0, तो 0 इनपुट में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों लाइट जो हैं वो 0-0 हैं, मतलब अभी नहीं जल रही हैं कोई भी। और अपना सी इनको 1 देते हैं, सी इनको 1 देते हैं, तो एस पे जैसे ही 1 इनपुट आया, सी जैसे वहाँ पे एस वाली लाइट जो है वो जल चुकी है। तो हम लोग बी पे 1 देते हैं। बी पे 1 देने पर भी वाली लाइट जो है वो जल चुकी है अपनी, और दोनों पे एक बार 1 देते हैं। तो जैसे ही दोनों दोनों बी और सी पे 1 आया, वैसे ही अपना सी आउट वाली लाइट जो है वो जल चुकी है। अब इसके बाद अपने 4A पे जो है 1 देते हैं। ए पे 1 देते ही ये जैसे ही अपना ए इनपुट 1 होता है, दोनों बाकी 0 हैं, तो अब अपनी एस वाली लाइट जल रही है। 5 वाला चेक करते हैं, बी पे 0 और दोनों पे 1, बी पे 0 और दोनों पे 1, तो सी भी जो है अपनी वो जलने लगी है। अब हम लोग देखते हैं 7th 6th भी देख लेते हैं एक बार। देख सकते हैं दोनों ए जब 1 पर है और ये 0, और हम लोग 7th वाला एक बार चेक करते हैं। जैसे ही तीनों 1 पर है, वैसे ही अपनी दोनों लाइट जो है वो एस और सी पे जलने लगी है।